Hello and welcome class 10th students. Today we are going to study about the reaction of matter with acid. Because we are study in our previous class chemical properties of metal. So reaction of metal with acid. When a metal react with dilute acid, then a metal salt is formed and hydrogen gas is evolved. We have already learnt about that in our previous video. For example, sodium on reaction with hydrochloric acid, it forms sodium chloride and hydrogen gas. What kind of precaution should we take to complete such a kind of reaction? Do not try the reaction of HCl with sodium or potassium, as the reaction is explosive one. It means kya? Kya aap is reaction ko nahi kar sakte, kyunki ye reaction kya hota? Explosive nature ke hote hain. Collect the sample of different. अब एक activity है, जरा आप इसे ध्यान से समझेंगे. Activity क्या है आपका? कि कुछ सैंपल आपको कलेक्ट करने हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इन सब चीज़ों का, और अलग अलग बीकर में उसे रखेंगे और डाइल्यूट एचसीएल उसमें पुट करेंगे. तो क्या होगा कि कुछ समय तक उसको छोड़ देंगे. अब एक थर्मामीटर हैंग कर देंगे, देखेंगे कि कहाँ पर कैसा चेंजेज आ रहा है, क्या किसी में टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर घटा है या रिमेन सेम रहा है. और इन सारे ऑब्जर्वेशंस को, किस तरह के बबल्स जो है वो फॉर्म्ड हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करेंगे. और फिर नेम द एलिमेंट विच रिएक्ट विग्रोसली विच डेल विद डाइल्यूट एसिड, और इस तरह के सारे एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हुए आप जो है एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि क्या है. फिर उन्हें मेटल को आप अरेंज करेंगे उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर में. एक नॉर्मल सा है कि मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट रैपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ गुड टेम्परेचर चेंज इज रिकॉर्डेड इन द थर्मोमीटर. कहते हैं कि अगर आप डाइल्यूट HCl का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से कराएंगे तो एक बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर चेंज देखने को आपको मिलेगा, गुड टेम्परेचर चेंज. तो इन सब चीज़ों से क्या हो जाता है कि एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मेटल की रिएक्टिविटी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है. मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, क्योंकि प्रीवियस में हमने देखिए क्या लिखा था हमने, कि कंक्लूजन कुछ निकाला था, उस कंक्लूजन को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं. कंक्लूजन क्या है भाई? कंक्लूजन ये है कि सोडियम एंड पोटेशियम प्रोड्यूस फायर इन वाटर, कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर इमीडिएटली एंड मैग्नीशियम फ्लोट्स आफ्टर सम मिनट, लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर द मेटल विच डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद वाटर इज, जो आपको गिवन है क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड. तो ये रिएक्टिविटी नॉर्मल जो है आपका, नॉर्मल रिएक्टिविटी है. अब हम इन चीज़ों को थोड़े से और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और एक कॉन्सेप्ट को और समझेंगे. वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझने की कोशिश करेंगे आप. कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सेप्ट है कि अगर जिंक मेटल का रिएक्शन आप कराते हैं किसके साथ, कह रहे हैं कि जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस बट लेस रैपिडली. लेस रैपिडली कहने का मतलब हुआ कि जैसे मैग्नीशियम रैपिड रिएक्शन करेगा वैसे जिंक नहीं करेगा. फिर हम बात करते हैं आयरन का, तो आयरन का रिएक्शन और भी स्लो होगा एज कंपेयर टू जिंक. द रिएक्शन क्वाइट स्लो, कहने का मतलब कि स्मॉल अमाउंट जो है टेम्परेचर चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा. फिर अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट ऑल, कहने का मतलब हुआ कि ये भी लिस्ट रिएक्टिव है. तो जब कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा ही नहीं, इसका मतलब सबसे कम रिएक्टिविटी हो गया इस कंक्लूजन में. तो जितने भी मेटल हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से इसी तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. मेटल जब भी रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से तो ये मेटल सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा. जब मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से तो भी हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व नहीं होगा. क्यों नहीं? क्योंकि HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एज सून एज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड द रिएक्शन इट गोज ऑक्सीडाइज टू H2O. तो वो क्या होता है कि अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस बट इन केस ऑफ HNO3 व्हेन रिएक्ट विद HNO3 रिएक्ट विद मेटल डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, व्हाई? तो क्या कहेंगे
बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या कहेंगे आप? HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये क्या करेगा, फटाफट ऑक्सीजन से जो है रिएक्शन करके आपका हाइड्रोजन गैस वाटर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है. तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, H2 जो है वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा डाइल्यूट HNO3 गैस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने नहीं देता है. फिर है कि कंक्लूजन क्या निकला इन सारी चीज़ों का, जो अभी आपने स्टडी किया इनका क्या कंक्लूजन है. तो कंक्लूजन ये है भाई कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स है हाइड्रोजन, इज फास्टर इन केस ऑफ मैग्नीशियम अमाउंग द गिवन मेटल. कौन कौन से? मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है. इसमें सबसे फास्ट बबल्स कौन फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम करेगा. इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम विग्रोसली रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम वेग्रोसली रिएक्ट करेगा. तो जितना हाईएस्ट रेट है इसका मतलब रिएक्शन क्या होना चाहिए? एक्सप्लोसिव होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या होगा? रिएक्शन एक्सप्लोसिव होगा. हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन केस ऑफ मैग्नीशियम रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें टेम्परेचर भी क्या हो आपका रिलीज होता हो. ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था सेम वैसा ही है. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस और कॉपर. कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है क्योंकि ये रिएक्शन करता ही नहीं है. अब जो है एक छोटा सा एक्टिविटी है, जरा आप इस एक्टिविटी को प्लान करें और समझने की कोशिश करें कि एक्टिविटी क्या है. ठीक है, देखिए, हैव अ लुक. ये है आपका एक नॉर्मल एक्टिविटी. कहते हैं कि दो बीकर लीजिए ए और बी, और कुछ सल्फ्यूर सॉल्यूशन ले लीजिए, इनको उसमें ऐड कीजिए. ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरे में एड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. ग्रीन कलर का एक में ए में, और बी में क्या कीजिए आप, कॉपर सल्फेट लीजिए, और एक कॉपर वायर जो है बीकर में डिप्ड कर दीजिए, आयरन नेल भी डिप्ड कर दीजिए. इस तरह से कह रहे हैं. और फिर कहते हैं कि ए वाले में कॉपर वायर दीजिए और बी वाले में आयरन. मतलब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर डाल दीजिए और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन का जो है वायर या रड जो भी नेल है वो डाल दीजिए, और बीकर को कुछ देर तक छोड़ दीजिए. तो किस में रिएक्शन होता है ये पूछते हैं. तो जब इन सारी चीज़ों को आप अरेंज कर देंगे, जब छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद रिएक्शन होगा. तो क्या होगा, देखिए कि जब फेरस सल्फेट वाले में जो आप, यानी कि बीकर ए में जो आपने कॉपर डाला है वहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, जबकि दूसरे वाले में क्या होता है कि आयरन वाले में जब आप कॉपर सल्फेट में आयरन डालते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है आयरन सल्फेट का. इसका मतलब जो ग्रीन कलर का जो है लेयर कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो गया वो क्या कहलाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन होगा आयरन और कॉपर के बीच में वो बताएगा कि जो सॉल्यूशन ब्लू था पहले कॉपर सल्फेट का वो थोड़ा ग्रीन हो जाएगा. इसका मतलब हुआ कि कॉपर सल्फेट जो है वापिस किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन सल्फेट में हो गया. यानी यहाँ पर एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है आपको वो देखने को मिलेगा. तो आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं वेरी इजीली. एक और जो एक्टिविटी है हम उस पर प्लान करते हैं कि दूसरा एक्टिविटी क्या है, जरा वो देखते हैं. देखिए सेकेंड एक्टिविटी क्या कहता है, टेक अ बीकर कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, इमर्ज अ स्ट्रिप ऑफ मेटल. व्हाट हैपन ऑफ इफ द स्ट्रिप ऑफ सिल्वर मेटल इज इमर्ज्ड इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कह रहे क्या होगा, व्हाट हैपन इफ स्ट्रिप ऑफ मेटल इज इमर्ज्ड इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ऑब्जर्वेशन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट इज कलर्ड लेस सॉल्यूशन. बिल्कुल सिल्वर नाइट्रेट वाटर टाइप लिक्विड होते हैं. व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज एडेड कलरलेस सॉल्यूशन चेंज टू ब्लू सॉल्यूशन. अ शाइनी व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द कॉपर स्ट्रिप. कह रहे हैं कि ये जो है रिएक्शन क्या हो जाएगा, जब आप सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर चिप्स या कॉपर टर्निंग डालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कि कॉपर स्ट्रिप जो कलर जो है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन जो है शाइनी व्हाइट डिपॉजिट आ जाएगा उसके ऊपर, कॉपर स्ट्रिप के ऊपर. ठीक है, और
कॉपर नाइट्रेट जो है ब्लू कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन जो है इस तरह से, तो आप इसे भी आराम से इंडिकेट कर सकते हैं। और फिर इसी क्रम में हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर दो बातें हो रही है कि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए क्या हो जाता है इस पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शन में कि सिल्वर अपना नाइट्रेट जो है NO3 छोड़ के कॉपर के साथ कॉपर नाइट्रेट बना देता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल है और यह है कुछ, इसको समझिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। क्या है कि आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सारे हैं। अब इन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आपको समझना है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकेंड। तो ये जो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स, अभी यहाँ पर दो के आंसर्स तो आपको दिखने को मिल रहे हैं सॉल्यूशन, इसमें एक को आपको खुद करना है क्योंकि तीसरा है अरेंज द ए बी सी डी इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो इसके बाद की बात है हम फिर उस पर चर्चा करते हैं। एक रिएक्टिविटी जो सीरीज है हमारा, जरा सा देखिए, ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब जरा ध्यान से देखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, जरा ध्यान से देखिए। पोटेशियम से शुरू है और ये सीरीज जो है हमारा लंबा चल रहा है, ठीक है। तो ये जो सीरीज है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है एलिमेंट का जो मेटल का है, तो इसमें सबसे ऊपर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अब देखिए इसको याद कैसे करें, मैंने निमोनिक्स पहले भी चर्चा किया था कि कैल्शियम पी पोटेशियम होता है वहाँ पर, पी पोटेशियम। तो हम कहते हैं पापा से कैल्शियम मांगो और जीत लो, जीत लो नी, हाइड्रोजन कप मिलेगा सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। अब इसको कोई जो है अलग अलग तरीके से भी याद रख सकते हैं, आप अपना अलग नेमोनिक्स बना सकते हैं। ठीक है ना, हमने अगर सिंबॉलिक नेमोनिक्स की बात करें तो हमने ऐसे कहा था के ना का मांगे अली जन, के ना का मांगे अली फेनी सनपब है को एच जी ए जी ए यू पी टी। अब इस तरह से आप कई अलग अलग जो है वो नेमोनिक्स आप इसमें बना सकते हैं। तो इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है एक छोटा सा जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, जरा सा आप इस पे फोकस करें, ये क्वेश्चन आपको करने हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज के। ठीक है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं करने कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये इसलिए करने हैं कि आपको चेक करना है कि आपने लर्न क्या किया, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपने क्या सीखा है अब तक, जो टॉपिक्स आपने पढ़े उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपकी लर्निंग कितनी है, आपको अपने जो है लर्निंग इन आउटकम्स जो है उसको जज करना है। तो ये हो गए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। टिल देन बाय बाय एंड चाओ।